साइंस और कॉमर्स शुरू से ही विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण विषय रहे हैं, लेकिन मेहनत और लगन के आगे चुनौतियां भी हार मानती हैं। ऐसी ही मेहनत और लगन के चलते बाड़मेर की बेटी ने राज्य भर में बाड़मेर का नाम फक्र से ऊंचा किया है। बाड़मेर की रुचिका मालू ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एमकॉम की परीक्षा में राज्य भर में पहली पायदान हासिल की है। बाड़मेर की बेटी की इस बड़ी उपलब्धि को राज्य के महामहिम ने गोल्ड मेडल से नवाजा है। साइंस और कॉमर्स शुरू से ही विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट रहे हैं, लेकिन मेहनत और लगन के आगे चुनौतियां भी हार जाती है। ऐसी ही मेहनत और लगन के चलते बाड़मेर की एक बेटी ने राज्य भर में बाड़मेर का नाम फख्र से ऊंचा किया है। बाड़मेर की रुचिका मालू ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एमकॉम की परीक्षा में राज्य भर में पहली पायदान हासिल की है। बाड़मेर की बेटी की इस बड़ी उपलब्धि को राज्य के महामहिम ने गोल्ड मेडल से नवाजा है। रुचिका की इस उपलब्धि से जहां घर वालों में खुशी का माहौल है, वहीं रुचिका की सहेलियां और रिश्तेदारों का भी इन दिनों बधाई देने के लिए घर में तांता लगा हुआ है। जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल व कुलाधिपति कलराज मिश्र ने 145 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए। इनमें से एक गोल्ड मेडल बाड़मेर के खाते में आया है। बाड़मेर की रुचिका मालू पुत्री मांगीलाल मालू को एमकॉम में टॉप किया है। राज्य की जोधपुर में आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें ये मेडल दिया। रुचिका बाड़मेर की रहने वाली है और एमकॉम में 96% अंक प्राप्त कर विश्वविद्यालय में टॉप किया है। रुचिका टॉप करने और गोल्ड मेडल मिलने के बाद बाड़मेर पहुंची तो रुचिका का उसके घर वालों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। रुचिका का कहना है कि प्रतिदिन 3 घंटे की पढ़ाई और परीक्षा के दौरान सभी सोशल साइट से दूरी बनाना उसकी सफलता का मूल मंत्र रहा। बहुत अच्छा फील हुआ मेरे को, मतलब मेरा ड्रीम था कि मेरे को एमकॉम में फर्स्ट आना है और वो पूरा हो गया। मेरे मम्मी पापा को जो खुशी हुई उसके आगे तो मेरी खुशी तो बहुत कम है। सबसे ज़्यादा खुशी तो उनको हुई है, उनका सपना सबसे पहले पूरा हुआ है। और मेरे गुरु है बिहारी लाल जी सर, उनसे मुझे प्रेरणा मिली थी कि मुझे एमकॉम करना है और टॉप करना है। उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। जिस वक्त पढ़ाई चल रही थी उस वक्त शेड्यूल क्या रहता था? मेरा शेड्यूल पहले कॉलेज थी, फिर ट्यूशन, देन 3 आवर्स कंटिन्यू घर पे पढ़ाई करती थी ऐसे। आजकल के ज़माने की बात करें तो व्हाट्सएप, फेसबुक वो सारे हैं जिससे खूब सारा टाइम स्पेंड हो जाता है, फिर आपका शेड्यूल क्या रहता था टाइमिंग? एग्जाम के टाइम मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ बंद कर दिया था और देन थोड़ा बहुत काम के लिए चला लेती थी बस। शहर के खागल मोहल्ला में रहने वाली रुचिका आज सभी विद्यार्थियों के लिए खास बनी हुई है। शहर के MBC गर्ल्स PG कॉलेज के बाद PG कॉलेज में अध्ययन करने के बाद नियमित अध्ययन कर राज्य भर में एमकॉम में पहली पायदान पर रहने वाली रुचिका साइंस और कॉमर्स चुनौतीपूर्ण विषय पर मेहनत और लगन से बेहद आसानी से हार मनवाने की बात को सार्थक तरीके से धरातल पर रखती नजर आती है।